Et les biens. Thank you.
ये हमने छोटा सा एक बर्तन बनाया है पत्तों का, और जिसकी ये वही पत्ते हैं जिसकी कटोरी और थालियाँ बनती है अपने इंडिया में जगह जगह पे, और ये वही पत्ते हैं। तो अभी इसका छोटा सा एक बर्तन बनाया है, और इसमें जो जंगली फ्रूट्स हैं, जो बेरी हैं और जो जामुन है, अपन वो कलेक्ट करेंगे और आज जंगली फ्रूट्स की पार्टी करते हैं। तो चलिए तोड़ते हैं चलते हैं। नीचे नीचे से तो बहुत तोड़ लिया, बाकी ऊपर लग रही है। तो ऊपर भाई तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तो ये कांटे वाला पेड़ है जो बेरी का पेड़ है, और कोशिश करते हैं जितनी टूटती है और कलेक्ट करते हैं और फिर जामुन लेके आते हैं।
सो गाइस, ये इतने कलेक्ट हुए हैं अभी तो, और ठीक है अभी इतने कलेक्ट हुए हैं, और अब चलते हैं जामुन की तरफ और वहाँ देखते हैं अगर कोई जामुन जो पक रहा हो थोड़ा सा ब्राउन हो गया हो तो अपन वो तोड़ ढूंढ के तोड़ते हैं, क्योंकि अभी तो मोस्टली सारे कच्चे ही हैं। तो देखते हैं, मिलते हैं तो कलेक्ट करते हैं और बैठते हैं, खाते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस, अभी ये इतना पक रहे हैं, देखिए थोड़ा सा पिंक हो गया ये, बाकी खाने बहुत टेस्टी होगा, ये रखते हैं।
ये जो ब्लैक वाली बेरी है इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ब्लैक वाली जंगली बेरी में, और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मीठी है ये, और कुछ कुछ खट्टी मीठी भी है, जो ज़्यादा पकी हुई वो ज़्यादा मीठी है। जामुन ट्राई करते हैं, ये देखिए थोड़ा खट्टा है क्योंकि पूरी तरह से पका नहीं है अभी, बाकी ऑसम टेस्ट है। बाकी सब जगह ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कुछ भरोसा नहीं जानवर कहाँ से आ जाए, और हम जामुन खा रहे हैं वो हमको खा जाए। फ्रूट तो सारे खा लिए, अब एक काम और करते हैं अपन, ये जो हमने अपनी प्लेट बनाई है इसको कहीं सेफ जगह रख देते हैं, सेफ जगह रहेगी तो किसी और के भी काम में आ जाएगी जो यहाँ पर गाय वाय चराने आते हैं, या फिर नेक्स्ट टाइम जब हम अपनी कुकिंग के शूट के लिए इसी दो तीन एरिया में से आएंगे, या ये सामने जो मेरी जगह है वहाँ पर, तो तब यूज़ आ जाएगी ये, तो अब इसको सेफ रख देते हैं, जब तक सूखेगी नहीं तब तक काम आ जाएगी, सूखने के बाद तो फिर नेक्स्ट बना लेंगे। तो वहाँ सामने रख दिया उसको पेड़ में छुपा के, तो अगर किसी की नज़र में आ जाए तो यूज़ कर लेगा, नहीं तो फिर हम ही यूज़ करेंगे इसको। तो गाइस कैसा लगा आज का आपको व्लॉग? तो आज कुकिंग तो नहीं थी, सिर्फ ईटिंग थी, तो बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, और कुछ इंस्टाग्राम पे मैंने जैसे छोटी मोटी कुछ पोस्ट डाली थी इसी से रिलेटेड, और कुछ लोगों का और था कि आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो और थोड़ा सा कुछ एडवांस करो। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें होंगी, एकदम नहीं, दो तीन चार वीडियो बनाने के बाद मैं एकदम से एडवांस पे तो नहीं जा सकता मैं, पर ठीक है धीरे धीरे थोड़ा सा अपनी चीज़ और अपने स्किल्स को थोड़ा सा और डेवलप करेंगे तो कंटेंट आपको और अच्छा मिलेगा आगे चल के, क्वालिटी और अच्छी होगी। और हमारे पास अभी शूट करने के लिए हमारे पास नॉर्मल फ़ोन है, अभी हमारे पास DSLR कैमरा नहीं है। एक्चुअली हमारा DSLR कैमरा
दिल्ली में चोरी हो गया था तो काफ़ी नुकसान हुआ, तो अभी हम नया परचेज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा अभी टाइम जा रहा है उसके लिए। तो उसके बाद क्वालिटी थोड़ी सी और की इम्प्रूव हो जाएगी, 4K तक हो जाएगी, अभी तो नॉर्मल क्वालिटी चल रही है। तो बताएं आप कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा, नमस्कार, शब्बा खैर, बाय बाय। Thank you.